हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ हर घर आई थ्राइव, जहां आज हम लोग सचिन के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। अभी ये शॉपिंग क्या होगी, जो हम लोगों ने उनके घर पे कल्प्रिट्स देखे थे, जो इन्फ्लेमेटरी फूड्स थे, तो आज हम लोग उनके रिप्लेसमेंट्स देखेंगे, जहां हम लोगों को समझेगा कि कौन सा हेल्दियर अल्टरनेटिव है। और आज हम लोग उनका पूरा किचन सेटअप करके ही जाएंगे। सो सचिन, हाउ एक्साइटेड आर यू? वेरी मच एक्साइटेड। तो सचिन, आप कहाँ से शॉपिंग करते हो? यही पास में एक शॉप है, तो वहीं से हम शॉपिंग करते हैं। अच्छा, तो अभी तक कैसी होती है आपकी घर पे शॉपिंग? शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत सिंपल है। हाँ। हमारी मम्मी एक लिस्ट बनाती है, वो लिस्ट हम उठा के जाते हैं शॉप में और पूरा सामान उठा के ले आके आते, तो उसमें कुछ चॉइसेस नहीं रहते। अच्छा, यस। तो आज अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो मैं इसलिए आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं मेरे हेल्थ कोचेस के साथ जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए। और आपने जो हमें जो कल्पिट्स थे उसके जो अल्टरनेटिव बताए थे, तो मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो देखना चाहता हूँ कि मैं शॉप में वो कैसे ढूंढने, राइट, कैसे मिलते हैं। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। तो चलिए, लेट्स गो। तो सचिन, आप जब स्टोर में जाते हो, तो आपको सबसे पहले वाला फूड प्रोडक्ट जो देखते हो वो कौन सा होता है? वो होता है स्वीट। ओह, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जो ट्रैकर में भी आता है। यस। तो अभी चॉकलेट्स डायरेक्टली, कुछ चॉकलेट्स है। यस, तो मैं ये हर बार लेके आता हूं। अच्छा, तो ये आपका फेवरेट चॉकलेट है? यस, दिस इज माय फेवरेट। इसका अल्टरनेटिव अभी हम लोग कैसे ढूंढेंगे, आपको क्या लगता है इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोगों को नहीं खाने चाहिए, जैसे कि कल्प्रिट्स देख के आप देख सकते हो। सो आई विल चेक, इसमें है शुगर, okay, then milk solids, okay, तो dairy product है इसमें, yes, right, then emulsifiers, okay, then तो ये होते हैं usually preservatives, यानी कि वो थोड़े ज़्यादा दिन के लिए स्टोर हो सकते हैं, जो कि अपने बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहते, so this is a big no, shit, तो अभी ये मुझे बंद करना पड़ेगा, जरूर, okay, तो that is no. तो अभी आ गया, चलो इसका अल्टरनेटिव तो ढूंढते हैं। अल्टरनेटिव तो जरूर रहेगा, इतने सारे चॉकलेट्स हैं। यस, सो लेट्स वी विल सी फॉर दिस। सो यस, ये अच्छा दिख रहा है, इसमें 55% कोको और 45% डेट्स है। हाँ, चलिए, तो फिर ये तो ऐसे लिखते हैं, बट फिर भी देखते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कुछ हो सकती है। यस यस यस, सो इसमें है कोको, देन कोको बटर एंड डेट्स। यस, तो क्या लग रहा है आपको, ये अच्छा है? You, yes, because yes, sugar नहीं है इसमें। Yes, so dates is the natural sweetener। Yes, तो आप ये खा सकते हो। Yes, तो मुझे alternative मिल गया। Yes, but हर रोज नहीं खाना है। Okay, but आप bag में तो डाल सकते हो। Yes, पक्का। चलिए, but इसमें तो अलग flavors भी है, तो आप ये वाला लोगे? उसमें तो almonds और raisins है। Yes, sure, why not? ये भी मुझे पसंद है। भेल मिक्स। इंग्रेडिएंट्स भी देख लो अभी। यस, पक्का। आधी चीजों को तो मैं नहीं बोल रही हूँ। तो इसमें है पफ राइस, देन ग्राम फ्लोर, व्हीट फ्लोर, पामोलिन ऑयल, पीनट्स। अरे, पीनट्स पे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी बात हुई हम लोगों की ग्रुप में, राइट? राइट राइट राइट, द मेन कॉज। यस, सो इसे भी अवॉइड करना पड़ेगा। यस, ओके, देन वी विल गो, ये तो चिप्स हो गए, ओके, देन दीज आर द पीनट्स, सो इट्स अ बिग नो, आई नो। और फिर भी क्रंची और चना आपको बहुत पसंद है खाने में। yes. जैसे कि आपके ग्रुप पे आता है, राइट, सब रहेगा उसमें, पीनट्स रहेंगे। यस यस यस, सलोनी, ये है ऑर्गेनिक काऊ घी, तो ये चलेगा? यस, ये तो चलेगा, दिस इज अ गुड ब्रांड, okay, but इसमें अभी A2 घी भी है, तो this is much better और reliable source, okay, तो हम लोग ये घी लेते हैं, okay, चलेगा। तो यहाँ पे तो oil का section है, हाँ, yes, oil, बहुत सारे oils है, yes, yes, yes. तो हम पहले लेते थे sunflower oil, जो कि अभी नहीं है, जो पूरा can तो देख लिया हम लोगों ने घर पे, right, right, तो हम ले सकते, तो ये है mustard oil, तो सरसों का तेल भी नहीं ले सकते, right? Yes, absolutely right. This is groundnut oil. So no vegetable seed oils again. Right. This olive oil. ये भी नहीं। ये भी नहीं। Okay. Then ये तो olive oil के ही brand है। Olive oil के सब brand है, right? So हाँ, मुझे ये दिख रहा है coconut oil.
राइट, सो कोकोनट ऑयल इज अलाउड राइट, यस ये चलेगा, बट उसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं उसमें क्या है. वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो चलेगा. मुझे बोल रही थी कि हम कुकीज बना सकते घर पे. यस एब्सोल्युटली. तो इसके लिए हम कौन सा फ्लोर यूज कर सकते हैं? तो कोकोनट फ्लावर यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये कोकोनट फ्लावर है. तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. यस सिर्फ कोकोनट फ्लावर, ये तो चलेगा. ये चलेगा. यस ओके, तो चलिए कुकीज, आप कुकीज भी भेज दो हमें ऑफिस में. पक्का पक्का. यस व्हाट अबाउट नूडल्स, आपको नूडल्स पसंद है? यस बहुत. तो चलिए देखते हैं कौन से नूडल्स अच्छे हैं. यहाँ पे है ग्लास नूडल्स, राइस, राइस वर्मिसली नूडल्स लेते हैं. ओह तो इसमें तो राइस फ्लावर और वाटर है, ये तो एब्सोल्युटली चलेंगे. ओके तो राइस नूडल्स आर ओके. ओके तो नूडल्स का भी सॉर्टेड हो गया. यस पास्ता पसंद है? अरे बहुत 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 बहुत. तो चलिए पास्ता देखते हैं. यहाँ पे होगा, ये देखो एल्बो पास्ता, इसमें तो वीट है सब में. अरे बाप रे, ये तो फिर चलो लेट्स फाइंड गुड अल्टरनेटिव. यस सो ओके ये वाला. यस रेड लेंटल प्यूस ले, बट इसमें भी हम लोगों को देखना है इंग्रेडिएंट लिस्ट. राइट सो ये तो चलेगा, इसमें रेड लेंटल है. ओके सो रेड लेंटल पास्ता इज ओके. ओके तो चलिए सचिन, अभी तो ये कोकोनट ऑयल और चॉकलेट्स तो आपके फेवरेट फूड प्रोडक्ट्स, जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स है उसमें से हेल्दियर ऑप्शंस हम लोगों ने ले लिए. तो अभी चलते हैं और देखते हैं जो कि ग्रोसरीज जो है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो देखते हैं. ये है अदृश, जो कि एक ऑर्गेनिक और जीरो वेस्ट स्टोर है. यहाँ पे सब यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बटर जो भी है वो सब ऑर्गेनिक मिलता है. और ये स्टोर प्लास्टिक फ्री है, जैसे कि इधर लिखा है कि इट इज फ्री ऑफ प्लास्टिक. सो इधर जो भी पैकिंग होता है वो भी प्लास्टिक में नहीं होता है. अच्छा. और इधर ऑर्गेनिक फ्रूट्स से लेके वेजिटेबल्स, बटर, जो भी हम लोगों ने A2 घी उधर देखा, सो दिस इज ऑल ऑर्गेनिक विच ऑल द प्रोडक्ट्स दे हैव. पूरा ऑर्गेनिक. यस पूरा ऑर्गेनिक, टॉक्सिन्स फ्री, यानी कि आपके बॉडी में जीनो एस्ट्रोजन कहीं से भी नहीं आएंगे. राइट दिस इज द स्टोर सचिन. तो चलो एक बास्केट लेते हैं, लेट्स डू शॉपिंग. यस तो सब्जियां और फ्रूट्स में क्या चाहिए? हाँ लेते हैं अभी पोटैटो. पोटैटो कली लाए. अच्छा तो फिर रहने दो. तो नो पोटैटो. सो टोमेटो लेते हैं. यस ओके. ये कितने दिन चलेंगे? ये 3-4 दिन. ठीक है. यस तो फ्रूट्स में कुछ लेना है? यस श्योर. अभी ये मौसम्बी. यस ओके. तो क्या बनाओगे इसका? जूस. जूस नहीं, उससे अच्छा तो फ्रूट्स ही खा लो. व्हाई टू मेक अ जूस? तो कुछ एप्पल्स लेते हैं. और ये कब खाओगे? ये दिन में एक बार. यस ग्रेट राइट कूल. ओके एवोकाडो पसंद है? नहीं मैंने इतना कभी ट्राई नहीं किया. ओह उसका डिप अच्छा लगता है. ओके सो आप ट्राई कर सकते हो. यस सो यहाँ पे हनी वगैरह मिलेगा, विच इज वाइल्ड हनी. राइट तो यहाँ पे लिखा है वाइल्ड हनी. यस हिमालयन वाइल्ड हनी. यस सो इट्स गुड राइट. सो हम ये ले लेते और यहाँ पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आपको कुछ लेने हैं उसमें से. ओके तो जैसे कि हैंड वॉश है, ये सब फ्री ऑफ पैराबेंस एंड SLS, जो शनिका ने कॉल पे भी बताया था कि बहुत सारे इसमें पैराबेंस रहते हैं, SLS रहता है. हाँ, तो दीज आर फ्री ऑफ इट. ओके 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 सो ये हैंड वॉश है, शायद कुछ लाइम फ्लेवर का है. यस लाइम से एलर्जी नहीं है ना आपको? नहीं नहीं कुछ ले सकते हो. ओके तो ये एक बॉडी वॉश है, ये ले लेता हूँ. यस तो सचिन यहाँ पे मिलेट्स के आटा है, तो ब्राउन टॉप मिलेट है, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट. तो आपको कुछ आटा चाहिए? नहीं एक्चुअली जब से चालू हुआ है प्रोग्राम अलॉय प्रोग्राम, तो घर में मम्मी ये सब पीस के लाती है, तो अलग अलग मिलेट्स एक साथ मिक्स करके वो पीस के आती है. ओके ठीक है, पर वो सब अलग अलग पीसना इज ऑलवेज गुड. ओके चले ठीक है. तो फिर मिलेट्स लेने आपको? यहाँ पे तो लिटिल मिलेट है. हाँ है एक्चुअली घर पे है वो. है हाँ, तो ठीक है स्टॉक किया हुआ है. यहाँ पे शायद राजमा भी है. यस तो राजमा ले सकते हैं. हाँ जरूर.
भैया ये 250 ग्राम पैक करना। यहाँ पे भी कोकोनट ऑयल है, वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। और ये शायद ग्लास बॉटल में। राइट। तो पहले वाला हम लोगों ने जो लिया वो तो प्लास्टिक बॉटल में था। Okay. A better one. So, यहाँ पे कंटेनर भी ऑर्गेनिक है। हाँ, so ग्लास में से कुछ प्लास्टिक या फिर ईस्ट्रोजेंस नहीं आएंगे आपके बॉडी में। राइट। यहाँ पे तो बहुत सारे वैरायटीज है। यस, मतलब बहुत पूरे मसाले भी है पूरा। यहाँ पे क्या है, पाउडर है, अश्वगंधा पाउडर है, बेलीफ पाउडर है। अरे दाल भी है लेने आपको? दाल, हाँ दाल तो ऑब्वियसली लगेंगे। तो ये मूंग छिलका है, फिर मूंग दाल है, फिर मसूर दाल है। भैया ये दाल भी 250 ग्राम पैक करना, तीनों दाल। तो यहाँ पे शायद मुझे सॉल्ट दिख रहा है, तो ये अच्छा, ये तो पिंक सॉल्ट है हम लोग जो, राइट, जो हमें मुझे बताया था हमने एफआईआर गेम में, वो खेला भी था। यस राइट, यही है वो हिमालयन पिंक सॉल्ट। ओके, सो भैया इसे भी 500 ग्राम पैक कर देना। अभी बिलिंग करना है? यस करते हैं। ओके, तो सलोनी आज तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली। यस, तो मम्मी तो खुश हो जाएगी। हाँ। मम्मी का पूरा महीना भर का काम मैंने कर दिया है। वाह। और उससे भी ज्यादा खुश इसलिए होगी क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक है और पूरा हेल्दी ऑप्शन है। सो रियली थैंक्स टू यू कि आप आज मेरे साथ आए और मुझे ये सब शॉपिंग करवाई जो कि पूरे हेल्दी ऑप्शन है। सो रियली थैंक्स टू यू। यस, तो बेसिकली हम लोगों को प्रोग्राम में भी हम लोग यही सिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे अच्छा और ऑर्गेनिक चूज करना है, यानी कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं आएंगे एंड बाकी की चीज़ें जो बॉडी के लिए हेल्दी है वो कैसे लेनी है। सो द बेसिक पर्पस इज दिस, एंड आपको तो अभी पता चल चुका है कि कुछ भी प्रोडक्ट रहेगा तो आपको क्या देखना है, तो आपको इंग्रेडिएंट्स देखना है, आपको देखना है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं। इवन इफ इट इज़ अ पैक्ड प्रोडक्ट तो आपको देखना है कि पैक्ड प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जैसे कि हम लोगों ने देखा लाइक शुगर सॉल्ट था एक चॉकलेट में, यानी कि नमकीन चॉकलेट हो गया वो, राइट? तो हम लोगों को वैसे ही देखना है, एंड दिस इज ओनली द बेसिक पर्पस। सो टू ऑल आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस, ये होता है जहाँ की हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स फ्री प्रोडक्ट्स कैसे देखते हैं और कैसे चूज करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स भी देखने पड़ते हैं। तो इसमें दिस इज द प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं, और आप भी ये फॉलो करिए जिसके वजह से आपको भी हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगी और हेल्थ वहां से ही आपकी शुरू हो जाएगी जबकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं आएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।